हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। नाउ वी आर गोइंग टेक सम मोर प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन। सो लेट अस डिफरेंशिएट सम ऑफ द क्वेश्चंस। 2x + 3 होल स्क्वायर, 1/√3x + 5। इसमें से दो तीन क्वेश्चंस हम करेंगे और ये बाकी क्वेश्चंस जो है ये आप बाद में खुद करोगे। तो हम कुछ इनमें से ये क्वेश्चन यदि सिमिलर टाइप पर हैं तो ये हम क्वेश्चंस करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू द अदर क्वेश्चंस आल्सो। सो लेट्स डिफरेंशिएट 2x + 3 होल स्क्वायर। सो लेट अस पुट वाई इज इक्वल टू 2x + 3 होल स्क्वायर। Now we will differentiate with respect to x on the both sides. We will get the next step, d by dx of y is equal to d by dx of 2x + 3 whole square. So ye banega dy by dx is equal to ye banega d by dx of x raised to the power n, wo banega n times x, wo banega 2 times 2x plus 3 raised power 2 minus 1 n minus 1, wo d by dx of x raised to the power n yahan formula lagega, वो बनेगा n टाइम्स x रेज पावर n माइनस 1। वो ये x है, ये n है, ये बनेगा n टाइम्स x रेज पावर n माइनस 1, बनेगा 2 माइनस 1 इंटू फर्दर d बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x + 3। वो एक तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा पहले, उसके बाद जो अंदर है 2x + 3 x, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। सो द डिफ्रेंशिएशन बिकम्स d बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/2 इंटू 2x + 3 रेज पावर 2 - 1, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज पावर n, वो बनेगा 2 times 2x + 3 रेज पावर 2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर जो है टर्म 2x + 3। सो वी विल एलोबरेट फर्दर, दिस विल बिकम dy/dx इज इक्वल टू 2 into 2x + 3 रेज पावर 2 - 1, यहाँ पर 1 रहेगा और अंदर क्या रहेगा ये अलग अलग हम करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। ये बनेगा dy/dx of 2x + dy/dx of 3, बिकॉज dy/dx of 3 जो है कॉन्स्टेंट टर्म 0 बनता है। सो ये फर्दर नीचे सिस्टम में हम ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 2 times 2x + 3 रेज पावर 1 का मतलब है कि वो 1 ही रहेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है रेज पावर, इंटू ये dy/dx of 2x बनेगा, यहाँ पर dy/dx of 2 के से ये 2 रहेगा और ये जो 1 है इसकी दिखाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर बनेगा ये dy/dx, ये बनेगा 2 to the 4x + 3 इंटू ये बनेगा 1। सो यहाँ पर क्योंकि dy/dx ऑफ जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 0 होता है और dy/dx ऑफ 2x है वो 2 के बराबर है और यहाँ पर है 2 times 2x + 3। सो वी विल अलाउ यहाँ पर बनेगा 2 to the 4, इसको हम खोल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, ये बनेगा 2 to the 4, ये जो 2 है ये इसको मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4 2 to the 4 और अंदर रहेगा 2x + 3। सो वी गेट डिफरेंशिएशन, हमारा आंसर निकला dy/dx इज 8x + 12। सो हमने डिफरेंशिएशन निकालना था 2x + 3 का होल स्क्वायर, हमने पुट वाई किया था और उसको हमने फार्मूला लगा के ये बनेगा dy/dx इज 8x + 12। सो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सिमिलर बेसिस, डिफरेंशिएशन ऑफ ये करेंगे हम 1/√3x + 5। सो ये सिमिलर बनेगा क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो रूट है ये रूट का वैल्यू है 1/2, तो ये जब 1/2 ऊपर जाएगा बनेगा -1/2, ये बनेगा y = 3x + 5 - 1/2। सो जिस तरह सिमिलर हमने ऊपर क्वेश्चन किया वो सिमिलर यहाँ पर भी है। सो डिफरेंशिएशन हम करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये बनेगा dy/dx of y = dy/dx of 3x + 5 - n, n के बजाय -1/2 है, सो ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन बनेगा n dy/dx of x raised to the power n बनेगा n times x raised to the power n - 1, n टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन। अब x के बजाय यहाँ पर 3x + 5 है, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम n मीन्स -1/2, ये रेज पावर है n, -1/2/2 इंटू एक्स, वो है 3x + 5 रेज पावर n माइनस वन, मीन्स 1 - 1/2 - 1, अंदर रहेगा dy/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाली टर्म जो है जो x है वो 3x + 5। सो फर्दर ये बनेगा -1/2, ये बनेगा 3x + 5 रेज पावर, ये ऐड होगा यहाँ पर, ये बनेगा -2 - -1 - 2/2, ये बनेगा -3/2, अंदर रहेगा ये अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये बनेगा dy/dx of 3x + dy/dx of 5, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म 0 के बराबर है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x निकलेगा 3, तो ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी,
तो यह डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे आंसर निकला वो बराबर है माइनस थ्री, ये हो गए थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, ये मल्टीपल होगा, थ्री वन ज़ा थ्री बनेगा माइनस थ्री, ऊपर रहेगा नीचे आएगा एक तो टू आएगा, और ये जो थ्री एक्स प्लस फाइव रेज पर माइनस थ्री बाई टू जो है ये नीचे आएगा और बनेगा टू टाइम्स थ्री एक्स प्लस फाइव रेज पर प्लस थ्री बाई टू। सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव। सो वी विल टेक अनदर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग, इसमें से मैं आपको ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में आपको दिखाऊंगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ऑफ एक्स माइनस सिक्स बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। साथ में नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो बच्चो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, वी विल गो टू द दिस क्वेश्चन। सो वी विल लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ हमने निकालना है टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ऑफ एक्स माइनस सिक्स बाई रूट ऑफ एक्स। सो वी विल पुट वाई इसका ले बनेगा, इसको थोड़ा स्ट्रीम लाइन करेंगे हम, इसको जो रूट है रूट को हम अपना पावर दे देंगे वन बाई टू, या और ये जो वन बाई टू नीचे ही ऊपर जो हो जाएगा ये बनेगा माइनस वन बाई टू बन जाएगा। तो सो फर्दर स्टेप जो है डैट इज़ वाई जो है टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ये बनेगा फोर टाइम्स एक्स रेज पर वन बाई टू, रूट रूट का वैल्यू वन बाई टू होता है तो रेज पर वन बाई टू आएगा माइनस सिक्स, ये एक्स रेज पर वन बाई टू जाएगा ऊपर, ये बनेगा एक्स रेज पर माइनस वन बाई टू। सो लेट इज डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड्स, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये होल टर्म का, ये सारा टर्म हमने लिखना है टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स रेज पर वन बाई टू माइनस सिक्स एक्स रेज पर माइनस वन बाई टू। तो फर्दर हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे सारे टर्म्स को, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स क्यूब, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, ये बनेगा फोर डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स रेज पर वन बाई टू, ये बनेगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्स एक्स रेज पर माइनस वन बाई टू। सो अब हमारे लिए ईजी बनेगा, वी विल यूज़ द फार्मूला, वो डी डी बाई डी एक्स ऑफ एन बनेगा एन टाइम्स, ये बनेगा ये टू बाहर निकलेगा, ये बनेगा डी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, ये कॉन्सेंट टर्म को बाहर निकालेंगे ये बाहर रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू बनेगा, ये थ्री को बाहर निकालेंगे ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फोर बाहर निकालेंगे ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर वन बाई टू, यहाँ पर सिक्स को बाहर निकालेंगे ये बनेगा सिक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर माइनस वन बाई टू। अब हमारी फार्मूला बनेगा, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन, तो ये बनेगा टू टाइम्स, ये बनेगा थ्री एक्स रेज पावर थ्री माइनस वन प्लस, ये बनेगा थ्री टाइम्स टू एक्स रेज पावर टू माइनस वन, ये बनेगा फोर टाइम्स, ये बनेगा वन बाई टू एक्स रेज पावर वन बाई टू माइनस वन, ये बनेगा माइनस सिक्स इंटू माइनस एन माइनस वन बाई टू एक्स रेज पावर एन माइनस वन, बनेगा एक्स रेज पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन। सो ये फर्दर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, ये बनेगा ये यहाँ पर एक्स रेज पर टू बनेगा, ये बनेगा थ्री टू जो सिक्स एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ये टू माइनस वन होगा वन आएगा, बनेगा थ्री टू जो सिक्स एक्स, यहाँ पर ये बनेगा ये टू और टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, टू टू जो फोर बनेगा, ये बाहर रहेगा टू अंदर रहेगा एक्स रेज पावर वन माइनस टू बाई टू, तो वो बनेगा माइनस वन बाई टू प्लस ये टू थ्री जो सिक्स, ये बनेगा थ्री रेज पावर एक्स रेज पावर, यहाँ पर बनेगा माइनस वन माइनस टू बाई टू, ये बनेगा माइनस थ्री बाई टू। सो ये हमने डिफरेंशिएशन इसका निकाला। फर्दर वी विल टेक अनदर क्वेश्चन, इसका अनदर क्वेश्चन निकालेंगे ऑन सिमिलर बेसिस, हमने डिफरेंशिएशन निकालना है फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो डिवाइड बाई एक्स, इसको हम अलग अलग बाइफरकेट करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे हम, ये बनेगा वाई इज इक्वल फोर एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस टू एक्स बटा एक्स प्लस माइनस थ्री बाई एक्स। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई बनेगा ये बनेगा एक्स ऊपर जाएगा, ये बेसिस आर सेम, ये डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, बनेगा थ्री माइनस वन बनेगा एक्स फोर एक्स क्यूब को, इसमें एक एक्स कम हो जाएगा बनेगा फोर एक्स स्क्वायर, इसी तरह ये एक एक्स कम हो जाएगा बनेगा थ्री एक्स, इसमें एक एक्स एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा ये टू रहेगा, यहाँ पर ये बनेगा माइनस, ये एक्स रेज पर वन ऊपर जाएगा बनेगा एक्स रेज पर माइनस वन। सो लेट इज डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो फर्दर स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म, ये लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री टाइम्स एक्स रेज पर माइनस वन, जिस सिमिलर है जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन किया। सो ये बनेगा बच्चों डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अलग अलग लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री एक्स रेज पर माइनस वन। अब जितने भी कॉन्स टर्म यहाँ पर है ये फोर कॉन्स में बाहर रखेंगे बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये थ्री बाहर निकालेंगे बनेगा थ्री टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म टू है वो बनेगा जीरो, माइनस यहाँ पर थ्री बाहर निकालेंगे ये बनेगा थ्री टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स थ्री इज पावर माइनस वन। सो आगे फर्दर सेटअप क्या बनेगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स थ्री इज पावर टू बनेगा टू एक्स, बनेगा फोर टाइम्स टू एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर है वन, ये बनेगा थ्री इंटू वन, माइनस ये जीरो तो जीरो रहेगा तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स थ्री पावर माइनस वन, ये बनेगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वो बनेगा माइनस टाइम्स एक्स थ्री पावर माइनस वन बनेगा माइनस टू, तो माइनस एक्स थ्री पावर माइनस टू बनेगा नीचे बनेगा एक्स थ्री पावर टू। सो दैट हमारा जो आंसर निकला दैट इज डी बाई डी एक्स इजकल एट एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री बटा एक्स स्क्वायर। सो बच्चो लेट्स टेक अनदर अनदर क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू एट स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल बी टू स्क्वायर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वो हमने इनका डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स का भी और वाई वाई का भी हमने डिफ्रेंशिएशन निकालना है। सो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, पहले हम डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल एट स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये बनेगा डी बाई डी डी बाई डी टी ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी हमने करना है क्योंकि यहाँ पर टी है, एक्स और वाई जो है एक्स अलग टर्म है उसको अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई अलग टर्म है बी टी स्क्वायर उसको अलग टर्म करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे एक्स को, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ ए टी क्यू, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ये ए टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी क्यू, तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी ये बनेगा ए टाइम्स, ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन बनेगा एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन, तो ये बनेगा थ्री टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन बनेगा थ्री टाइम्स टी रेज पावर थ्री माइनस वन, ये क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी हमारे क्या आएगा थ्री ए टी स्क्वायर, ये थ्री माइनस टू वन को बाहर निकालो, थ्री माइनस टू को थ्री को माइनस को थ्री वन करो माइनस बनेगा टू बनेगा टी स्क्वायर बनेगा थ्री ए टी स्क्वायर वो डी एक्स बाई डी टी। नाउ वी विल हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स किया विद रिस्पेक्ट टू टी फर्स्ट टर्म को, अब हम सेकंड टर्म वाई को करेंगे वाई इज इक्वल बी टू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बोथ साइड्स, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी टी, ये बनेगा डी वाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर कॉमन निकालेंगे ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ टी 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 स्क्वायर, तो बी बाहर है अंदर रहेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज पावर एन, एक्स की बजाय टी है बनेगा एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन बनेगा डी वाई बाई डी टी बनेगा टू बी टी टाइम्स वन वो टू बी टाइम्स टी, वो इस इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, मगर हमने क्या निकालना है ये डी एक्स बाई डी टी है और ये डी वाई बाई डी टी है, बट वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, वो हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला फर्स्ट टर्म का, यहाँ पर हमने सेकंड टर्म का डी वाई बाई डी टी निकाला, वो ये फर्स्ट इक्वेशन रखा हमने इसको सेकंड के इक्वेशन रखा दोनों को डिफ्रेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू टी, नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो सो यहाँ पर क्या आएगा ये बनेगा डी वाई बाई डी टी, ये डी वाई बाई डी टी है इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन का सेकंड आया है टू बी टी डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट का आएगा थ्री ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों आप देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टी और टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहा डी वाई बाई डी एक्स, सो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक टी और स्क्वायर का एक टी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहा टू बी नीचे रहा थ्री ए टी, सो डी वाई बाई डी एक्स निकला हमें टू बी बाई थ्री ए टी, सो ये हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स उसका वैल्यू हमें निकला टू बी बाई थ्री ए टी। सो बच्चों आपको समझ आया होगा कि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना था फ्रॉम दीज टू रिलेशंस एक्स इज इक्वल ए टी क्यूब एंड वाई इज इक्वल बी टी स्क्वायर, इसको हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आया इसका अलग डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी सेकंड टर्म का, ये सेकंड रिलेशन आया सेकंड रिलेशन को हमने डिवाइड किया बाय फर्स्ट रिलेशन, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकालना था वो निकला टू बी बाई थ्री ए टी। सो इस वीडियो में इतना ही, वी विल कंटिन्यू द वीडियो।